हे गाइस, वेलकम टू बैक। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलयू डिलक्स जो उषा मशीन है, इसमें किस तरीके से रफू करते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और रफू भी काफ़ी तक तरीके की होती है, तो मैं आपको तीन तरह की रफू करके दिखाऊंगा, इसमें किस तरीके से होती है प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिख रहे होंगे ये इतना बड़ा होल है, ठीक है, इस पर हमें रफू करना है। ओके, बस तो ये होल है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये फटा हुआ है, ये फटा हुआ है, तो हम ये तीन तरह की करके आज तीन तरह का रफू करेंगे, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इन तीनों पे हम रफू करके देखते हैं किस तरीके से इन पे होगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये कपड़ा दिखाया था मैंने, अभी अभी हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में जो ये वाला जो फटा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो फटा हुआ है इस पे हम करके देख रहे हैं अभी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे जो सेलेक्टर हैं, ठीक है, ये दोनों जो सेलेक्टर हैं, तो जो फर्स्ट वाला सेलेक्टर है वो तो हमें देखिए ये डी पे रखना होगा। ओके, डी पे। और जो ये वाला लेंथ है इसको हमें 0 और 1 के बीच में रखना होगा, जैसे कि मैंने बीच में रखा हुआ है। ओके, ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये कपड़ा इसमें लगा लिया है। अब आप ये देखिए, जो फटा वाला हिस्सा है ये वाला, ये इसका सेंटर जो है इसके बीच में मैच करना चाहिए। ओके, ताकि ये बीच में रहे, ताकि पूरी सिलाई हो और हमारा जो वो है रफू हो जाए, ठीक है। तो देखिए फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए बिल्कुल सेंटर में होकर के, और उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, इसको ऐसे निकाल करके और थ्रेड कटर में से काट लेंगे हम इसको। ओके, काटने के बाद देखिए मैंने किया है। ओके, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और ये कितना स्मूथ और अच्छा रफू हुआ है। ओके, दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो देखिए जो फट रहा था ये ठीक हो गया। अब ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले के लिए मैं एक और बता रहा हूँ अभी आपको। ये तो क्या होता है कि बिल्कुल स्मूथ होगा, ठीक है, जो दिखेगा नहीं। ओके, अगर बिल्कुल मैच जैसा कपड़ा है, अगर वैसे ही अगर आपका धागा होगा तो बिल्कुल मैच करेगा, ये दिखेगा नहीं, ठीक है। बट ये जो दूसरा वाला मैं करके दिखाने वाला हूँ, ये भी अच्छा है, बट थोड़ा सा ये उभरा हुआ दिखाई देता है। सपोज़ कि जहाँ पे आपको फटा हुआ है, अगर आपको वहाँ पे डिज़ाइन बनानी है, ठीक है, तो वो उसके लिए काम आता है। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आप ये सेटिंग देख लीजिए, इसमें ये सेटिंग तो ऐसी ही रहेगी। ओके, बट जो ये सेकेंड वाली सेटिंग है, ठीक है, इसको हमें सी पे करना पड़ेगा। और हमेशा इसको करते टाइम ये ध्यान रखना है कि सुई हमेशा ऊपर होनी चाहिए, सुई नीचे होगी तो टूटने का डर रहेगा। तो इसको हम सी पे करते हैं, ठीक है। सी पे करने के बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वही वाला, ठीक है। इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है हमें। देखिए जो फटा वाला हिस्सा है बिल्कुल सेंटर में लगा करके। ओके, देखिए ऐसे करके हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिल गया है। ओके, मैं अब आपको दिखाता हूँ उसको, व्हील से थोड़ा हिल घुमा करके हम निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद थ्रेड कटर से इसको काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो सेकंड वाला था वो ऐसा बना हुआ है। सपोज कि हमारी कोई जीन्स कट जाती है या कुछ कट जाती है, तो हमें क्या सीधी सीधी अगर दो जगह कटी है तो ऐसे करके दो लगा सकते हैं। ओके, तो ये भी अच्छा लग रहा है, बट अगर नॉर्मली करना है आपको तो नॉर्मल, फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि ये वाला है नॉर्मल आपका, देखिए ये है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं फर्स्ट वाला है। तो ये वाला करने के लिए तो आपको डी पे रखना पड़ेगा, और आपका जो ये वाला है इस वाले पे करने के लिए आपको सी पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला है इसको हम करके देखते हैं। ये देखिए ये होल है, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से होगा। तो इसको होल को भरने के लिए पहले सेम मैच का कपड़ा हो तो ज़्यादा बेटर है, तो उस मैच के कपड़े को उसके नीचे रखेंगे और उसके बाद में हम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने। ओके, इसको हम इस तरीके से इसके नीचे रखेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए इस तरीके से इसके नीचे रख करके, और फिर हम करेंगे इस पे। ओके, तो देखिए अभी बहुत ही अच्छी सी हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ रफू हुआ है। ओके, इसके नीचे रख के करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको ना, आप चाहे तो इसमें हल्की सी स्टिच भी लगा सकते हैं, ताकि कपड़ा इधर उधर ना भागे, क्योंकि कपड़ा भाग सकता है, तो वैसा भी कर सकते हैं, बट मैं तो नॉर्मली ऐसे ही कर दे रहा हूँ, स्टिच नहीं लगा रहा मैं। ओके, सॉरी।
तो देखिए इसको इस तरीके से कपड़ा ये बीच में रखा हुआ है हमने, ओके, और इसको हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये कटा वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सेंटर में चलना चाहिए इस पे, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ये इसके बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ठीक है, इस पे सिलाई होगी, ओके। और ये वाला जो रफू है मैं डी पे रख के कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये डी पे है, और ये जो हमारा है 1 से 2 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, ओके। कुछ कर ठीक है, उसके बाद इसको हम घुमा लेंगे एक बार, ओके, सुई को उसी में लगा रहने देंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। घुमाने के बाद देखिए ये वाला जो है ये बिल्कुल सेंटर में रख करके वापस हम चलाएंगे, ओके, देखिए आप। ठीक है, उसके बाद वापस सुई को अंदर रहने देंगे और फिर दोबारा से हम इसको ऐसे घुमा के चलाएंगे। इसको फिर दोबारा से घुमा लेंगे हम, कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं हम, ओके, थ्रेड कटर से धागा काट लेते हैं। देखिए देखिए इतना स्मूथ हो गया है, जो फटा हुआ था पूरा वो हो गया है, ओके। ये धागे हैं, इन धागों को हम कैंची से इनको वो कर लेंगे, काट, तो इन थ्रेड्स को हम काट के हटा देंगे इसमें से, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए इतना स्मूथ हो गया है यहाँ से, ओके। अगर जैसे कि हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा अलग कलर का है, धागा अलग कलर का है, अगर ये धागा इसी कलर का होता तो यह दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये स्मूथ हो गया, यहाँ पे हो गया। अब मैंने आपको 3 तरीके बताया, एकदम बिल्कुल होल वाला बताया जहाँ तक करना, ओके, और एक मैंने आपको ये बताया था जो स्मूथ सा दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक ये वाला है, ओके। डिज़ाइन पैटर्न बनाना है तो आप ये बना सकते हैं, नॉर्मल जो आपका है वो ये वाली स्टिच है, ये देखिए नॉर्मल वाली ये है आपकी, ओके, ये वाली स्टिच है, और ये वाला जैसा मैंने अभी बनाया आपको वो चीज़ है, ओके। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको करना सिखाया, देखिए आप एकदम स्मूथ सा हुआ है, तो इस तरीके से हम घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 तरह की रफू बताई है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं रफू। अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली बात होती है, आप चाहें तो इसका भी अच्छा कर सकते हैं, आप डिज़ाइन बना सकते हैं, हो फ्लावर भी बना सकते हैं उस पे ऐसा करके, जिस तरीके से ये देखिए मैंने स्क्वायर में बनाया है ये, ओके, आप इसको फ्लावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो आपको बस इसकी सेटिंग याद रखनी होगी कि डी पे नॉर्मल होगा, और अगर कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप सी पे सी सेलेक्टर को सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, और आप लोगों को समझ में आया तो आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और इस मशीन से जुड़ी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी वीडियोस आपको मेरी लिंक में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे जा करके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी, इसके आगे की वीडियोज़ उसमें हैं, ओके, थैंक यू।